नमस्कार, मैं मिथुन वाजपेयी। अपने यूट्यूब चैनल मिथुन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जिन्होंने CISF SCM 2022-23 का एग्ज़ाम दिया है। जैसा कि आपको पता है कि आपकी आंसर की आ चुकी है, आप सभी ने अपने मार्क्स जो हैं वो चेक कर लिए होंगे, लेकिन अभी आपके मार्क्स जो हैं वो इंक्रीज़ भी होंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ढेर सारे क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पे गलत हैं। तो कितने क्वेश्चन गलत हैं उन पे बात करेंगे। उसके अलावा ऑब्जेक्शन आपको इन क्वेश्चंस पे जरूर लगाना चाहिए। उसके अलावा क्या सभी को ऑब्जेक्शन लगाने की ज़रूरत है, इस पॉइंट पे भी बात करेंगे। उसके अलावा इस पॉइंट पे भी बात करेंगे कि जो गलत क्वेश्चन है उसका जो मार्क्स है वो कब सभी को मिलेगा और कब केवल उसको मिलेगा जिसने सही आंसर जो है वो टिक किया होगा। उसके अलावा आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, टाइपिंग कब तक आपकी हो सकती है, रिजल्ट आने के बाद टाइपिंग के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा, इन सब पॉइंट पे इन सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम गलत क्वेश्चन की बात करें तो आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है रीजनिंग का किस शिफ्ट का है, आप ये देख लेना, ठीक है, और कितने बजे की शिफ्ट का है, ठीक है। राहुल के अब जिसका होगा उसको पता चल गया होगा, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। राहुल के माँ के भाई के पिता की इकलौती बहन से राहुल का क्या संबंध है, ठीक है। उसके अलावा ये वाला जो क्वेश्चन है ये गलत है, ठीक है। सिलॉजम का क्वेश्चन है ये गलत है, इस पर आपको ऑब्जेक्शन करने की ज़रूरत है। उसके अलावा ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें भी गड़बड़ी है, तो इस पर भी आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए। उसके अलावा हिंदी का ये क्वेश्चन गलत है, इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए। उसके अलावा ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी गलत है, इस पर भी आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए। उसके अलावा ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी गलत है, इस पर भी आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए। उसके अलावा ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपका गलत है, इस पर आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए। उसके अलावा ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी गलत है, इस पर आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए। उसके अलावा ये वाला जो मैथ्स का क्वेश्चन है ये भी गलत है, इस पर आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा, बाकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहेंगे तो सोल्यूशन हम सभी शिफ्ट का करा देंगे। बाकी ये क्वेश्चन गलत है, इन पर आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए। ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपका गलत है, ठीक है। उसके अलावा ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी गलत है, इस पर आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए। इसके अलावा ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपका गलत है, इस पर भी आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपका ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपका गलत है, इस पर भी आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए। ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपका गलत है, इस पर भी आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए। तो आप देख पा रहे होंगे इतने क्वेश्चन आपके गलत हैं, यानी कि आप ये मान के चलो कि सभी एस्पिरेंट को जो मार्क्स हैं उनका फ़ायदा मिलेगा, कुछ ना कुछ मार्क्स आपके इंक्रीज़ जरूर होंगे, डेफिनेटली इंक्रीज होंगे। अब बात कर लेते हैं क्या सभी को ऑब्जेक्शन करने की ज़रूरत है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि टीचर ही ऑब्जेक्शन कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ऑब्जेक्शन, क्योंकि इतने सारे बच्चों ने एग्ज़ाम दिया होता है तो सभी को ऑब्जेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अगर आप ऑब्जेक्शन नहीं भी लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, किसी ना किसी ने तो ऑब्जेक्शन लगा ही दिया होगा। ये आप मान के चलिए कि इतने क्वेश्चन गलत होने का मतलब ये है कि आपके जो मार्क्स हैं 6 से 7 नंबर का जो डिफरेंस है मार्क्स में वो सभी का रहेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं कि कब सभी को मार्क्स मिलते हैं और कब केवल उसको मार्क्स मिलेंगे जिसने सही आंसर टिक किया होगा। जैसे कि ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। अगर सही जो आंसर है वो इन चारों ऑप्शन में एग्जिस्ट करता है, अगर सही आंसर जो है वो इन चारों ऑप्शन में एग्जिस्ट करता है, तो भले ही जैसे मान लेते हैं यहाँ पे इन्होंने सेकेंड वाला जो है वो सही माना है, लेकिन है फोर्थ वाला सही, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, और किसी बच्चे ने फोर्थ वाला टिक किया है और अभी ये इसको सही बता रहे हैं, तो ये ऑप्शन जो है वो एग्जिस्ट करता है, यानी कि इसके जो मार्क्स हैं वो केवल उस स्टूडेंट को मिलेंगे जिसने, जब इसमें करेक्शन हो जाएगा, जिसने ये चौथा वाला जो ऑप्शन है वो ऑप्ट किया होगा। यानी कि अगर सही ऑप्शन जो है वो आपका एग्जिस्ट करता है ऑप्शन में, तो इसका मतलब है मार्क्स उसको मिलेंगे जिसने उस ऑप्शन को चूज़ किया होगा। लेकिन अगर सही जो ऑप्शन है वो इन चारों ऑप्शन में है ही नहीं, मतलब कोई अलग है, इसके अलावा कोई और आंसर है, तो उसके जो नंबर हैं वो सभी को मिलेंगे, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का भी आपको आंसर मिल गया होगा, ठीक है। उसके अलावा ऑब्जेक्शन जो है वो सभी को लगाने की ज़रूरत नहीं। अब बात कर लेते हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा और टाइपिंग के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा। तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो रिज़ल्ट है वो नवंबर में आ जाएगा, बहुत फास्ट तरीके से आपका काम होगा, इसमें बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा। उसके अलावा अगर आप टाइपिंग जो है उसके लिए अभी सीरियस नहीं है तो आपका काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं अभी 2019 की भी टाइपिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, 2019 की जो वैकेंसी थी। तो यहाँ पर क्या है कि रिजल्ट आने के बाद CISF जो है आपको टाइपिंग के लिए उतना टाइम नहीं देगी, ठीक है।
आपका रिजल्ट आने के बाद बहुत जल्द आपकी जो टाइपिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी भी अगर आपके ठीक ठाक स्कोर बनना, अभी मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कितने नंबर हैं ताकि आप टाइपिंग की प्रिपरेशन करो। बाकी मैं एक आइडिया, एक रफली आइडिया आपको देता हूँ कि अगर आपका 75 या उससे ऊपर नंबर बनना है तो आपको टाइपिंग की प्रिपरेशन में अभी से लग जाना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, तभी आपका टाइपिंग जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा। टाइपिंग के लिए बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा। बाकी कट ऑफ का डिटेल में हम लोग एनालिसिस कर लेंगे, वो वीडियो बहुत जल्द आएगी, ठीक है। उसके अलावा इस बार जो आपकी टाइपिंग होगी वो ऑनलाइन मोड में होगी। जैसे अभी आप देख पा रहे होंगे कि 2019 वालों की जो टाइपिंग हो रही है वो आपकी ऑफलाइन हो रही है, लेकिन इस बार जो नोटिफिकेशन है उसमें साफ साफ बोला गया है कि आपकी जो टाइपिंग है वो ऑनलाइन मोड में होगी। उसके अलावा यहाँ पे वैकेंसी भी आपकी इंक्रीज़ हो गई हैं, लगभग 170 प्लस वैकेंसी जो है वो आपकी इंक्रीज़ हुई हैं, तो इससे भी आपका कट ऑफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, कट ऑफ आपकी डिक्रीज़ होगी। तो कट ऑफ कितनी क्या जाएगी उस पर अलग से वीडियो करेंगे। फिलहाल अगर आपका मतलब 75 या उससे ऊपर या थोड़ा बहुत कम भी बनना है, मतलब 72-73 नंबर बनने हैं, तभी आपको टाइपिंग की प्रिपरेशन में अभी से लग जाना चाहिए। जो टाइपिंग आपकी होगी वो कुछ इस तरीके की होगी। यहाँ पे आपको 35 की स्पीड चाहिए, ठीक है। आपकी जो टाइपिंग होगी वो 10 मिनट की होगी, ठीक है। स्क्रीन टू स्क्रीन होगी, यानी कि इस तरीके से जिस तरीके से आपकी SSC में टाइपिंग होती वैसे आपकी टाइपिंग होगी। 10 मिनट में आपको 1750 की डिप्रेशन करना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 10500 की डिप्रेशन आपको मारने हैं एक घंटे में। अगर आप इसे 6 से डिवाइड करोगे तो 1750 आते हैं, यानी कि 10 मिनट में आपको 1750 की डिप्रेशन करने हैं, तब आपकी जो स्पीड है वो 35 की आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इंटरफेस होगा। पूरा कंटेंट आपका शो नहीं होगा, कंटेंट का वन थर्ड आपका शो होगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपको देख के टाइप करना है स्क्रीन पे ही। और आपको कम से कम कंटेंट को पूरा टाइप करने के लिए से 3 बार स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है बिल्कुल इसी के पैटर्न पर। उसके अलावा मतलब इसका जो पैटर्न है वो CHSL CGL के जैसा होगा, CHSL के जैसा होगा। और यहाँ पे हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं जो कि CHSL CGL एग्जाम में आए हुए हैं। तो सिर्फ इन्हीं 250 पैसेज को आप प्रैक्टिस कर लो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। आप सभी के लिए ऑफर चल रहा है, 99 रुपीज़ में आप ये 250 पैसेज जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि एक पैसेज की जो कॉस्ट है वो 40 पैसे से भी कम पड़ने वाली है। और इसकी जो वैलिडिटी है वो 1 महीने की, यानी कि एक पैसेज की जो कॉस्ट है वो 40 पैसे से भी कम पड़ने वाली। उसके अलावा एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से ये नहीं कहूँगा कि तुरंत परचेज कर लो, पहले आप डेमो लो, अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो आप इसे अपना जो ऑफर आपके लिए चल रहा है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हो, वहाँ से आप डेमो ले सकते हैं, और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो इस ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपके ढेर सारे कन्फ्यूज़न क्लियर हो पाए होंगे। बाकी आप सभी के मार्क्स डेफिनेटली इंक्रीज़ होंगे। उसके अलावा अगर आप जो हैं 70-75 स्कोर आपका बनना है तो आप टाइपिंग की प्रिपरेशन में लग जाए। बाकी कट ऑफ का डिटेल में यहाँ पे हम लोग एनालिसिस करेंगे, ठीक है, वो वीडियो बहुत जल्द आएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।